हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आदित्य विभू आज मैं आप लोगों के साथ ही ये मेकअप लुक शेयर करूंगी जो स्पेशली इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है इस मेकअप लुक को आप कोई भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हो अगर आप नई नए वेली दुल्हन हो तो भी इस लुक को कर सकते हो तो वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लोरियर पेरिस का माइक्रो एसेंस तो आप यहाँ पे टोनर भी यूज़ कर सकते हो ये। तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ ये मुझे अच्छा लगता है ये अच्छा है माइक्रो एसेंस मैं कुछ दिनों से इसे ही यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं इसे अच्छे से यूज़ कर ले रही हूँ उसके बाद मैं यूज़ करूंगी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो लेकमी का है तो इसे तो आप जानते ही हो इसे ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में डेली का मेकअप में तो मैं इसे यूज़ करें मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी होता है गाइज चाहे आप डेली का मेकअप कर रहे हो या कोई भी पार्टी फंक्शन का मेकअप कर रहे हो मॉइस्चराइज़र बहुत ही जरूरी होता है हमारे स्किन के लिए तो मैं इसे अच्छे से यूज़ कर ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र को अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लेकमी का फाउंडेशन ये अच्छा फाउंडेशन है गाइज एफोर्डेबल है और अच्छा कवरेज भी देता है तो आप भी अगर कोई एफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो फिर मैं इसे अच्छे से डैब डैब करके अपने फेस पे लगा ली हूँ फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ और जब भी फाउंडेशन को ब्लेंड करना है तो अच्छे से करना है कोई भी हर्श नहीं दिखना चाहिए हमारे फेस में तो मैं नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करना है हमें तो हो गया हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे दवन का कंसीलर ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइस बहुत ही अच्छा है बहुत ईजिली हमारे स्किन में मतलब ब्लेंड हो जाता है जोर से हमें रगड़ के या दबा के ब्लेंड नहीं करना पड़ रहा है बहुत ही ईजी तरीके से ब्लेंड हो गया हमारे स्किन में अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट से अपने मेकअप को अच्छे से सेट से करूँगी तो मैं यहाँ पर लेकमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है और अगर वीडियो अच्छा लगेगा गाइज तो मेक श्योर लाइक जरूर कीजिएगा बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में मेकअप लुक करने में तो लगता ही है तो हो गया हमारा मेकअप अच्छे से सेट अब मैं अपना आइब्रो फिल कर ले रही हूँ तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही जेल आईलाइनर है मेरे पास मैं उसी से हल्का लेके अपना आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ मेरा आईब्रो ऑलरेडी ब्लैक है तो बस मुझे हल्का लेकर के मैं इसे अच्छे से फिल कर ले रही हूँ और कल मेरी एक वीडियो आई थी उसमें मैं कुछ एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स शेयर की हूँ तो आप लोग देखना चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो अब मैं यूज़ करूंगी आई सैडो तो आई सैडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मास्क के आई सैडो जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ और मैं फ्लिपकार्ट एफोर्डेबल मेकअप हॉल शेयर की हूँ अपने चैनल पे तो आप लोग देख सकते हो वीडियो फिर मैं एक पतला सा ब्रश लेकर के एक लाइन बना ले रही हूँ आइज के ऊपर जिस तरह से हमें आई सैडो लगाना है उसी हिसाब से मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ इस तरह से बनाने से क्या होता है आई सैडो लगाना ईजी हो जाता है ज़्यादा इधर उधर आई साइडो फैलता नहीं है तो मैं ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हूँ तो मैं ब्लू कलर का आई सैडो मैं ले करके लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा आई सैडो है और बहुत ही अफोर्डेबल है आप लोग चाहो तो ले सकते हो मैं लिंक दे दूँगी और मैं शेयर भी की हूँ वीडियो एफोर्डेबल प्रोडक्ट का वहाँ से भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे तो मैं ब्लू कलर का ले करके के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ आई लीड पे तो मैं दो तीन लेयर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा डार्क रहे हमारा आई सेडो मैं ब्लू कलर का ही ले रही हूँ मैं अपना आई को थोड़ा डार्क करूँगी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और ब्लू कलर का सेड ले करके और मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ऐसे को जब तक ब्लेंड करना है जब तक ये एक अच्छा सा कलर ना आ जाए साइडो को और बहुत ही आसान मेकअप है ये गाइस इसे हर कोई कर सकता है अगर आप बिगनर हो फिर भी इस लुक को कर सकते हो बहुत ही सिंपल लुक है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं की हूँ इस लुक को तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो मैं ब्लेंड कर ली अच्छे से अब मैं हल्का ब्राउन कलर का शेड ले करके अपने क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ और ये क्रीज लाइन पे जो लगा रही हूँ आई ये हुडा ब्यूटी का आई सेडो तो हो गया हमारा आई शेडो सेम तरीके से मैं दूसरे आईज में भी कंप्लीट कर ली हूँ आई शेडो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लू कलर का ही आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं आईज मेकअप ब्लू ब्लू की तो इसीलिए मुझे आई भी ब्लू ही लगाने का मन किया तो मैं यहाँ पे आई लगा ले रही हूँ आप इस आई को ले सकते हो बहुत ही अच्छा आई है बहुत ही ईजिली लग जाता है तो हो गया अब दूसरे आइज़ में भी मैं सेम तरीके से लगा ले रही हूँ तो हो गया अब आई लाइनर कंप्लीट अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा मैं केमियो का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे आई नहीं लगा रही हूँ आप चाहो तो अगर लगा सकते हो अगर आपको पसंद है आई लगाना तो लगा सकते हो तो हो गया मस्कारा कंप्लीट मैं अपना आईब्रोज के नीचे हाईलाइट करूंगी तो मैं आई साइडो में से गोल्डन कलर का हल्का लेकर के आई साइडो और मैं अपने आईब्रोज के नीचे हाईलाइट कर लूंगी तो हो गया हाईलाइट अब मैं हल्का ब्लू कलर का आई साइडो लेकर के अपने लोअर लेस लाइन पे लगा रही हूँ मैं यहाँ पे काजल यूज नहीं कर रही हूँ गाइज आप अगर काजल यूज़ करते हो आपको काजल पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो मैं काजल कभी यूज़ नहीं करती हूँ इसीलिए बस ये इसी को लगा ले रही हूँ अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेकमी एप्सलूट का ब्लस तो ब्लस तो लगाना बनता है गाइस ब्लस तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्लस जब भी लगाना चाहिए तो थोड़ा स्माइल करके लगाना चाहिए उससे अच्छे से ब्लस लगता है तो हो गया ब्लस अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मालियो का हाइलाइटर हाइलाइटर तो मैं छोड़ नहीं सकती है और आप भी अगर पार्टी फंक्शन के लिए मेकअप करते हो या तो न्यू नवेली दुल्हन हो तो हाइलाइटर लगाना तो बिल्कुल मत छोड़िएगा तो मैं अच्छे से अपने हाईलाइट कर ले रही हूँ अपने फेस को जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है फोर और अपने चिक पे मैं हाईलाइट कर ली अच्छे से अब जो लास्ट हमारा है वो है लिपस्टिक तो मैं यहाँ पर इलेटिन का लिपस्टिक यूज करूँगी सबसे पहले आप अप अपने लिप्स को लाइन बना ले रही है इससे लिपस्टिक आसानी से लग जाएगा और मैं हेयर स्टाइल चेंज नहीं करूँगी गाइस जो मेरा अभी है वही रहेगा हेयर स्टाइल तो मैं लिपस्टिक लगा ले रही हूँ और हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल मैं बनाई हूँ बस आगे से पब बना ली हूँ और पीछे सारे बाल को लेकर के एक बन बना ली हूँ तो मैं लिपस्टिक लगा ली अब अब मैं जल्दी से अपना सारा ज्वेलरी पहन ली हूँ मैं चूड़ी भी पहन ले रही हूँ और मैं ज्वेलरी का लिंक नहीं दे पाऊँगी गाइस क्योंकि मैं ये सब ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ तो ये रहा मेरा मेकअप का फाइनल लुक और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर